बीते दिन शाहबाद मारकंडा में जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री कृष्ण बेदी की कोठी का घेराव किया। सभी जेजेपी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जैसे ही राज्य मंत्री निवास के नज़दीक पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इस पर कार्यकर्ता और ज़्यादा भड़क गए, वे प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने लगे। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स भी पार करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। जेजेपी कार्यकर्ता स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने, बच्चियों से हो रही रेप की घटनाओं, विकास व किसानों के मुद्दे को लेकर राज्य मंत्री निवास का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। जेजेपी कार्यकर्ताओं ने शाहबाद तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। जेजेपी पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष जसविंदर खैरा ने कहा कि हमने पहले ही राज्य मंत्री कृष्ण बेदी को अवगत करवाया था कि हम अपनी समस्याओं को आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिर भी कृष्ण बेदी अपने निवास पर नहीं मिले। खैरा ने यह भी कहा कि जब मंत्री जी मिले ही नहीं तो समस्या का हल कैसे करेंगे और आने वाले समय में जेजेपी पार्टी की सरकार ही होगी। आज जननायक जनता पार्टी के समूह हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे और आम जन थे कुरुक्षेत्र के, वो सभी यहाँ पर हमारे युवा के प्रदेश प्रभारी सुमित राणा जी, युवा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान जी, हमारे सीनियर लीडरशिप की अगुवाई में यहाँ पर हम माननीय मंत्री जी के आवास का यहाँ पर घेराव करने आए थे और उन्हें ज्ञापन देने के लिए आए थे। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि जो सरकार है, जो लोगों की नुमाइंदगी करती है, वो सरकार ही आज यहाँ पर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए उपलब्ध नहीं है, जबकि उनको पहले से चार दिन से अल्टीमेटम किया हुआ था कि हमने ज्ञापन देने के लिए आना है, अपनी समस्याएँ बताने के लिए आना है। आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो ये मैं कह सकता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये जो सरकार लोगों की समस्याओं को सुलझाने का ढकोसला करती है, इस ढकोसले को बंद करें। और आने वाले इलेक्शन में माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपको लोगों के बीच में ही जाकर उनकी समस्याएँ सुलझाने का काम करना है। और इलेक्शन तो 2 महीने के बाद आने वाले हैं, आपको आईना दिखाने का ये लोग काम करेंगे। और देखना, जब भी विधानसभा के चुनाव होंगे जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी। माननीय हरियाणा सरकार में मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी को जननायक जनता पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया जाना था, तो माननीय मंत्री जी चंडीगढ़ में व्यस्तता के कारण नहीं आ सके, तो जननायक जनता पार्टी द्वारा मेरे को यानी तहसीलदार शाहबाद को ये ज्ञापन सौंपा गया है। इसको उपायुक्त के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा, जो भी इनकी डिमांड है वो सरकार को भेजी जाएंगी, बाकी कार्य सरकार का है, इस पे विचार करें। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।